अल्लाह गाइस uh, मैं मुखातब हूँ अपने दो सौ बासठ सब्सक्राइबर से जो कि आज की तारीख पर हो गया अभी रिसेंटली मैंने वीडियोज़ बनाना शुरू किए हैं मुझे इतना टाइम नहीं हुआ लेकिन एक तरीके की सोशल रिस्पांसिबिलिटी समझता हूँ इस नाजुक uh, uh, मौके पर और इस नाजुक सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त था uh, मेरी इतनी ज़्यादा मुलाकातें उससे रही नहीं लेकिन सेंस गुलशन uh, में रहता था और uh, हम लोग uh, काफ़ी ओकेजन्स पे एक दूसरे से मिले हैं और बहुत अच्छा लड़का हमेशा मदद करने वाला या किसी भी किस्म का किसी को भी कोई इशू हो तो उसके लिए बढ़ चढ़ कर उसकी मदद करने वाला लड़का मेरा इंटरेक्शन इतना कहा से नहीं था और ना ही हम लोग कोई बहुत ही ऐसे दोस्त थे जो रोज़ मिलते थे ऐसा भी नहीं था मेरी गिन के तहा से तकरीबन चार से पाँच मुलाकातें इससे ज़्यादा नहीं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसके बारे में बात ज़रूर करनी चाहिए ऐसा ना हो कि आ, शायद अगर मेरे बोलने से कोई इम्पैक्ट क्रिएट हो जाए कराची में अगर आप रहते हैं और आपकी हर वक्त आप इस डर के आलम में रहते हैं कि भाई अभी मेरा मोबाइल चला जाएगा अभी मेरा इक्विपमेंट चला जाएगा अभी कोई आ जाएगा अ, मेरे मोबाइल मेरा वॉलेट चली चला जाएगा इसके अंदर जितने भी कार्ड्स हैं वो चले जाएँगे मतलब स्ट्रेस लेवल की इंतहा है इंतहा है स्ट्रेस की इंतहा है मैं पाकिस्तान से बाहर रहता हूँ मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है मेरा मोबाइल चला जाएगा मेरा मेरा वॉलेट चोरी हो जाएगा हो सकता है ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं हो सकता लेकिन दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता जिस तरीके से जो मामला आजकल कराची में चल रहे हैं दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता जान की बाजी हार देते हैं लोग मोबाइल चोरी होने की वजह से उसकी डेथ नहीं हुई स्नैचिंग की वजह से उसकी डेथ नहीं हुई रीज़न तो कुछ और है उसके बारे में फिर किसी दिन कभी बात कर लेंगे लेकिन द पॉइंट इज़ एक यंग लड़का जिससे उसके घर वालों को उम्मीदें होंगी कि वो घर वालों को सपोर्ट करेगा एक बैकबोन होता है ना जवान लड़का होता है उससे बड़ी उम्मीदें वस्तु हो जाती हैं फैमिली की लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी माँ को अकेला छोड़ के चला गया इस तरीके से काफ़ी कहा अभी जितने मरते थे वो तो मर गए अभी और तहा मरेंगे क्योंकि इसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा पाकिस्तान में मोबाइल भी वैसी चोरी हो रहे हैं जिसका दिल आता है अगले को पचास रुपए की टीटी की गोली से जाके मार देता है ज़िंदगी बहुत सस्ती है तो कुछ सोचें इस बारे में ज़रूर सोचें कि क्या करना है क्या है ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान से उठ के सारे लोग बाहर आके शिफ्ट हो जाए दस नॉट पॉसिबल बट द गवर्नमेंट हैज़ टू डू समथिंग The government needs to take certain steps to end this crime. कितने तहा मरेंगे कल वो असद भी हो सकता है कल वो ए बी सी कोई और भी हो सकता है तो कितने तहा मरने और मजीद कितनी लाशें उठेंगी और वो बेकसूर लाशें बेकसूर उनका कोई कसूर नहीं है उनको पता ही नहीं है कि वो मर क्यों रहे हैं। बट द गमेंट इज साइलेंट इस वीडियो पे कोई सैड वाला म्यूजिक नहीं आएगा आ, कोई एडिट नहीं होगी ये वीडियो जैसी मैंने रिकॉर्ड की है वैसी है जस्ट बिकॉज इट दस वीडियो इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग एन अवेयरनेस या तो भाई अपने पास गन रखना शुरू कर दो होम लाइसेंस होम डिपार्टमेंट से लाइसेंस बनता है अभी किसी जाने वाले ने बनवाया था लाइसेंस बनवा के गन रखना शुरू कर दो लेकिन चलाने का टप्पड़ रखो ऐसा ना हो उसी गोली से तुम्हें तो मार के चले जाएँ या तो कुछ और प्लान आउट करो बिकॉज द गवर्नमेंट स्लीपिंग गवर्नमेंट सो रही है और सोती ही रहेगी आपको प्लान करना है पाकिस्तान से बाहर आ सकते हैं कहीं रह सकते हैं कहीं मूव आउट कर सकते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये प्लान कर लें और निकल लें पाकिस्तान से बाहर अगर अफोर्ड कर सकते हैं और अगर नहीं कर सकते तो अपने आप को बहुत बचा के चलें योर फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज़ थिंक अबाउट एड आपकी फ़ैमिली में आपके माँ बाप होंगे अगर शादी हो गई तो आपकी बीवी होगी आपके बच्चे होंगे प्लीज़ आप तो चले जाएंगे आपको तो मरना ही है बिकॉज यू लिव इन कराची थिंक अबाउट योर फैमिली प्लीज़ डू द नीडफुल आप अपनी वो चीज़ें पूरी कर लें जो आपके बाद आपकी फ़ैमिली के लिए चाहिए बिकॉज आप आज निकलेंगे घर वापस आते नहीं आते कुछ नहीं पता क्योंकि तहा का तो ऐसे ही है तहा तो घर से निकला था घर आ रहा था घर पहुँचने ही वाला था इनफैक्ट दरवाजे पर था उसको किसी ने गोली मार दी तो आज तहा था कल आप होंगे ये बात जहन में रखिएगा